भारतीय वायुसेना का विमान AN-32 असम के एयरबेस से उड़ान भरने के बाद से लापता है। आपको बता दें कि वायुसेना के परिवहन विमान AN-32 से आखिरी संपर्क सोमवार दिन में करीब 1 बजे हुआ था और इसके बाद से ही विमान से किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पाया है। विमान में 13 लोग सवार थे और इनमें 8 क्रू मेंबर और 5 लोग और शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने विमान का पता लगाने के लिए सभी संभव संसाधन लगा दिए और इसके अलावा लापता विमान का पता लगाने के लिए भारतीय सेना ने विभिन्न सरकारी और सिविल एजेंसियों के साथ समन्वय किया है और साथ ही भारतीय सेना के हवाई और जमीनी दलों की ओर से सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि वायुसेना का AN-32 अभी तक भी लापता है और इसका सुराग भी अभी तक नहीं मिल पाया है। पूरी कोशिश की जा रही है सुराग पता लगाने की, लेकिन अभी तक भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। ऑपरेशन लगातार जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है सेना का। आपको बता दें कि इसमें 5 क्रू मेंबर सवार थे और भी कई लोग इस विमान में सवार थे और इससे सोमवार करीब 1 बजे संपर्क हुआ था और उसके बाद से अभी तक भी किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पाया है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं इसका सुराग लगाने में, लेकिन अभी तक भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है।